इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि बैन को एक बक्सा मिलता है जो कि ओमनिटिक से भी ज्यादा एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी से बनाया है। पूरा एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाद में आप लोग भूल जाते, इसलिए अभी से याद दिला रहे हैं, यार कर लो सब्सक्राइब। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। अभी एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में केविन कहता है कि मुझे लेवल 20 टेक्नोलॉजी के सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन ग्वेन कहती है ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि लेवल 20 टेक्नोलॉजी तो सिर्फ बैन के पास है, उसकी ओमनिटिक्स। उसके बाद में केविन कहते हैं कि जो सिग्नल आ रहे हैं ये लेवल 20 टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा लेवल के आ रहे हैं। उसके बाद में काफ़ी देर तक वो उसे ढूंढते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा होता। यहाँ पे ग्वेन कहती है कि जो मेरी मैना पावर है वो जितनी भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती है या फिर जो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें होती है उन पर कम काम करती है, इस वजह से वो उसे उल्टा तरीके से यूज़ करती है और अपना मैना चारों तरफ फैला देती है। उसके बाद में का मैना जब उस चीज से टकराता है तो वहां पे बहुत तेज रोशनी निकलती है और उन्हें वो चीज मिल जाती है। जैसे वो उस जगह पे पहुंचते हैं उन्हें एक अजीब सा बक्सा दिखता है। उसके बाद में जो बैन होता है वो जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। जैसे बैन उसे दबाता है वो जो बक्सा होता है वो एकदम से ओपन हो जाता है और उसके अंदर से सेम टू सेम बैन जैसे एक क्लोन निकल जाता है। उसके बाद में वो लोग देखते हैं यहाँ पे जो ये बंदा है बिल्कुल सेम टू सेम बैन की तरह लग रहा है और एक रोबोट होता है। उसके बाद में बैन जो भी चीज़ बोलता है ये सेम टू सेम उसकी सारी की सारी बातें दोहराने लगता है। उसके बाद में जो केविन होता है वो इसके पास जाता है और वो भी कुछ बातें बोलता है और वो एकदम से केविन का रूप ले लेता है। उसके बाद में वो केविन की कॉपी करने लगता है। केविन जो भी चीज बोल रहा होता है वो सेम टू सेम वही चीज बोल रहा होता है। उसके बाद में वो केविन को धक्का देके मारता है और केविन का जो आईडी मास्क होता है वो टूट जाता है। वो कहता है तुमने मेरा आईडी मास्क तोड़ दिया, और जो नकली वाला होता है वो भी उसकी तरह बन जाता है। उसके बाद में बैन यहाँ पे ह्यूमंगस और के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन जो रोबोट होता है वो सेम टू सेम बैन की कॉपी करता है और वो भी ओमनिटिक्स के ऊपर हाथ मारता है और वो भी यहाँ पे ह्यूमंगस और के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट चलती है। जो नकली वाला होता है वो असली वाले बैन को काफी ज्यादा पेल के मारता है। उसके बाद में उसे केविन की कार के ऊपर पटक के मारता है और केविन की कार भी टूट जाती है बेचारे की। उसके बाद में केविन को गुस्सा आता है और केविन पूरी स्पीड में जाता है उसके मुंह पे मारता है और यहाँ पे जो पूरा का पूरा रोबोट होता है उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। उसके टुकड़े टुकड़े होने के बाद में उसके बीच में एक एनर्जी का सोर्स होता है जिसके वजह से उसके सारे के सारे जो टुकड़े होते हैं वो वापस से जुड़ जाते हैं और वो वापस से बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके बाद में वो केविन की तरह बन जाता है और यहाँ पे केविन की तरह बनने के बाद में यहाँ पे जो बैन होता है वो स्पाइडर मंकी बनता है, लेकिन यहाँ पे जो रोबोट होता है वो भी स्पाइडर मंकी बन जाता है और वो अपने जाल से बैन को बांध देता है। उसके बाद में जो ग्वेन होती है वो उससे लड़ने जाती है और जैसे ग्वेन उसे अपने मूव्स दिखाती है जो रोबोट होता है वो सेम टू सेम उसकी कॉपी करने लग जाता है और वो भी ग्वेन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो अपने हाथ में कुछ प्लेट्स ही बनाता है उन्हें फेंक के मारता है। मतलब वो जादू का यूज़ तो नहीं कर सकता बट हाँ सेम टू सेम उसकी कॉपी करके प्लेट उसके ऊपर मार रहा होता है। ग्वेन समझ जाती है कि हमारी बिल्कुल कॉपी कर रही है, तो यहाँ पे ग्वेन कहती है कि चलो मेडिटेशन करो और रोबोट भी बैठ के वहाँ पे मेडिटेशन करने लग जाता है। इतने में वहाँ पे वीडल ब्रदर्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये चीज़ हमें दे दो। वीडल ब्रदर्स उसे ले जाके बेचने वाले होते हैं क्योंकि ये काफी खतरनाक हथियार होता है। उसके बाद में वीडल ब्रदर्स उसे लेके जा ही रहे होते हैं, इतने में बैन स्वाम फायर बनके उन्हें जाने से रोकने की कोशिश करता है और जैसे वो फायर करते हैं यहाँ पे जो रोबोट होता है वो पीछे मुड़ के देखता है स्वाम फायर को और वो सेम टू सेम उसके जैसा ही बन जाता है। उसके बाद में अपने हाथों से आग तो नहीं निकाल पाता लेकिन हाँ आग के गोले जरूर फेंकता है। और उसके बाद में यहाँ पे जो बैन होता है वो तो कहता है कि मैं तुम्हें बचा रहा हूँ लेकिन वो उसके ऊपर फायर करता रहता है। उसके बाद में वो वीडल ब्रदर्स जैसा ही बन जाता है और यहाँ पे जो वीडल ब्रदर्स होते हैं वो बड़े आसानी से लेके चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो बैन ग्वेन और केविन होते हैं वो मिस्टर स्मूदी पे आए होते हैं और वहाँ पे मस्त अपना मस्ती कर रहे होते हैं। और गाइस वापस से आप लोगों को एक बार याद दिला रहा हूँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ कर लेना, काफ़ी खुशी मिलती है। अगर आप कर चुके हो तो थैंक यू सो मच। एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। तभी वहाँ पे वापस से वीडल ब्रदर्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम अपने बुरे व्यवहार के लिए तुमसे माफ़ी मांगते हैं। वो बताते हैं कि जब हम इसे लेके जा रहे थे इसने स्पेस में पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को ही उड़ा दिया और इसने वीडल ब्रदर्स से एक और चीज़ सीखी है, अब इसको भी हर चीज़ तबाह करना पसंद है। और वो कहते हैं कि अब हम इस मुसीबत को नहीं झेल सकते और इसे तुम ही संभालो। इतने में वो जो रोबोट होता है वो स्पेसशिप से ह्यूमंगस और बन के निकल जाता है और वो अपने हाथों में कुछ कैनन्स बना के तबाही करने निकल पड़ता है। और जितने में वो तबाही मचा ही रहा होता है इतने में जो वीडल ब्रदर्स होते हैं वो जाने वाले होते हैं, लेकिन इतने में जो रोबोट होता है वो वीडल ब्रदर्स का जो स्पेसशिप होता है उसे भी पूरा का पूरा तबाह कर देता है। इतने में जो रोबोट होता है अपने आप को एक अलग ही रूप के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है और ये सारे के सारे एलियंस का मिक्सअप बन जाता है। जितने भी एलियन बैन बना होता अभी तक ये सभी को कंबाइन करके बन जाता है। उसके बाद में बैन यहाँ पे लॉर्ड स्टार बन जाता है और ग्वेन कहते हैं कि तुम अपनी मैग्नेटिक पावर से इसे तोड़ दो, लेकिन केविन कहते हैं इसे तोड़ के कोई फायदा नहीं है, जब तक इसका पावर का सोर्स इसके पास है तब तक ये वापस से जुड़ जाएगा। उसके बाद में प्लान करते हैं इसे बाहर निकालने का और यहाँ पे जो बैन होता है वो अपनी पावर से सारी की सारी कार्स को उठाता है और उसके ऊपर फेंक के मारता है। इतने में जो ग्वेन होती है वो उसका ध्यान भटकाती है और यहाँ पे सारे के सारे टीम वर्क कर रहे होते हैं। इतने में जो केविन होता है वो भाग के आता है और इसके पैर के ऊपर बहुत जोर से मारता है जिससे जो होता है नीचे गिर जाता है। उसके बाद बैन वापस से अपनी
मैग्नेटिक पावर से सारी की सारी कार्स उठाता है और इसकी तरफ फेंक देता है, और ये सारी की सारी कार इससे टकराती है और ये नीचे गिर जाता है। और जब ये नीचे गिरता है तो वहाँ पे केविन भाग के आता है, और केविन इसके ऊपर चढ़ने के बाद में जो इसका पावर का सोर्स होता है यानी जो इसकी ओमनेटिक्स होती है इसके ऊपर मारता रहता है। और यहाँ पे तब तक ये जो रॉबोट होता है ये केविन की तरह अपने हाथ में कर लेता है और केविन को बहुत दूर फेंक के मारता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में यहाँ पे देखते हैं जो होता है मॉन्स्टर सा, इसका यहाँ पे जो ओमनेटिक्स होती है फट जाती है और यहाँ पे जो बैन होता है वो अपनी मैग्नेटिक पावर से पूरे के पूरे को फाड़ देता है, और ग्वेन अपनी मैना पावर से वो जो पावर का सोर्स होता है उसे निकाल देती है। एनर्जी निकालने के बाद में जो रॉबोट होता है वो तभी फट जाता है, और ग्वेन कहती है कि इतनी छोटी सी चीज ने हमें कितना ज्यादा प्रॉब्लम में डाल दिया। तभी वहां पे एक एलियन आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोग काफी ज्यादा बेवकूफ हो, और शायद से तुम लोगों को अभी भी लगता है यहाँ पे सिर्फ 3 डायमेंशन है, लेकिन वो बताती है कि अगर मैं सिर्फ मेन काउंट करूँ तो यहाँ पे 27 डायमेंशन है। इसका कहने का मतलब ये होता है कि काफी ज्यादा स्मार्ट एलियन है और जो ह्यूमंस है वो उससे बहुत ज्यादा पीछे है। उसके बाद में बताती है कि जो बक्सा सा है ये मेरी छोटी बेटी का खेलने का खिलौना है जो कि उससे गिर गया था, और तुम लोग समझ सकते हो मतलब ये जो डिवाइस है ये लेवल 20 टेक्नोलॉजी से भी आगे का डिवाइस है। मतलब बैन की जो ऑमनेटिक्स है वो बैन के पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाई लेवल टेक्नोलॉजी वाला डिवाइस है, और वो खुद 20 लेवल की टेक्नोलॉजी है भाई। और यहाँ पे जो इन एलियन के बच्चे हैं वो 20 लेवल से भी ज्यादा की टेक्नोलॉजी के सिर्फ खिलौने रखते हैं। मतलब तुम लोग समझ सकते हो भाई कितने ज्यादा आगे है एलियन और कितने ज्यादा स्मार्ट है। और वो जाने से पहले ये भी कहती है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था क्योंकि इस खिलौने के ऊपर लिखा हुआ है 30 लाख साल से कम की उम्र के बच्चे ना खेले। मतलब उनके छोटे छोटे बच्चे भी भाई 30 लाख साल की उम्र के हैं, मतलब क्या ही सीन है भाई। तो एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। तो मिलता है उस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।